नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स सामने सामने आए तो रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी, वही हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने बेहद ही शानदार बल्लेबाजी की और जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की। 215 रन दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए और आज उनके बल्लेबाजों ने बखूबी बल्लेबाजी की। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की। इसके अलावा कुलदीप यादव ने बहुत ही काबिले तारीफ गेंदबाजी की। तो जीत के हीरो कौन रहे, जान लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। सबसे पहले नाम पर चर्चा करेंगे तो चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव का नाम आएगा। फिगर है उनका आज 4 ओवर 35 रन और 4 विकेट। बस ये बॉलिंग फिगर दर्शा देते हैं कि उनकी काबिलियत क्या है और उन्होंने किस तरीके से आज अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिलाई है। साथ ही उन्होंने अपनी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को यह बता दिया है कि आपने मेरी काबिलियत नहीं पहचानी थी, ये देखिए ये है मेरी काबिलियत। इसके अलावा अगले नाम पर चर्चा करेंगे तो नाम आएगा यहाँ पर खलील अहमद का। बहुत उम्दा गेंदबाजी की और ऐसी गेंदबाजी जो कि उनके उम्मीद से बेहतर थी। खलील अहमद ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 25 रन दिए, 3 विकेट लिए। यहाँ तक कि आंद्रे रसल जैसे बल्लेबाज के सामने भी वो बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। इन्हीं दो गेंदबाजों के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने 215 रन के बड़े टारगेट को आसानी से बचा लिया। इसके बाद अगले नाम पर चर्चा करेंगे तो नाम आएगा पृथ्वी शॉ का। पिछले मैच में जहां से बल्लेबाजी छोड़कर गए थे, आज वहीं से शुरू किया। बहुत ही काबिले तारीफ बल्लेबाजी कर रहे हैं पृथ्वी शॉ। आज उनके बल्ले से 51 रन निकले, ताबड़तोड़ अंदाज में निकले। शुरुआत बड़ी गजब की उन्होंने दी वार्नर के साथ मिलकर। इसी का नतीजा था कि दिल्ली ने 215 रन बना लिए। अगले नाम पर चर्चा करेंगे तो नाम आएगा डेविड वार्नर का। इस सीजन का दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं डेविड वार्नर और इस मुकाबले के साथ ही उन्होंने हैदराबाद को ये बता दिया कि बड़े बेआबरू करके आपने हमें निकाला था और देखिए मैं क्या हूँ। 61 रनों की बहुत ही शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली उन्होंने और दिल्ली कैपिटल्स को 215 रन तक पहुंचाने में उन्होंने सबसे अहम योगदान दिया। इसीलिए जीत के हीरो डेविड वार्नर रहे। अगले नाम पर चर्चा करेंगे तो नाम आएगा लॉर्ड शार्दुल का। चेन्नई सुपर किंग्स से निकलकर यहां पर पहुंचे हैं और वो बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पहले बल्ले से कमाल दिखाया, शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 रन बनाए और उसके बाद उन्होंने फिर 2 विकेट भी चटकाए। तो कुछ इस तरीके से शार्दुल ठाकुर मैच के हीरो रहे। दिल्ली कैपिटल्स ने इस तरीके से मुकाबला जीता और अब उन्होंने ये बता दिया है कि ये टीम पीछे रहने वाली नहीं है। फिलहाल ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स को मात दी है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।